How to flash fastboot MIUI room on any Xiaomi phone. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो आपका जो MIUI का जो रोम होता है, जो फास्टबूट रोम होता है, उसको कैसे अपने MI फोन या Xiaomi फोन में फ्लैश करें MI फ्लैश टूल के थ्रू। कि इस वीडियो का पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिर तक, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जो है उस रोम को फ्लैश नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली और कोई ना कोई एरर आपको शो करेगा। ये मेथड मैं अपने Redmi Note 4 फोन में यूज कर रहा हूँ, जिसका बूट लोडर मैंने अनलॉक कर लिया है। कई फोनों में इस मेथड को यूज करने के लिए बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है, कईयों में बिना लॉक बूट लोडर पे भी काम कर लेता है। तो इस मेथड को यूज करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ फाइलें आपके डेस्कटॉप पे सेव करनी पड़ेगी, जिनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उन फाइलों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो चार तीन फाइलें चाहिए उनको मैं आपको दिखा देता हूं। ये है पहले MI फ्लैश सेटअप। ये जो है MI फ्लैश टूल है जो आपको मदद करेगा फास्टबूट रोम को फ्लैश करने में। सेकेंड जो है ये हमारी जो है फास्टबूट रोम फाइल है, जो कि TZ8 फॉर्मेट में होती है, आप देख पा रहे हैं। इसको हमने अनजिप और या फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसका ये फोल्डर बना है। तीसरी फाइल है ADP सेटअप ड्राइवर्स। ये ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है, नहीं तो ये फ्लैश टूल जो है आपके फोन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो भी ये फाइलें जहां भी आप सेव करें, जैसे हमने इस फोल्डर में सेव कर रखी है Redmi Note 4, तो आपको ये याद रखना है कि जो आप फोल्डर का नाम देंगे उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसके बीच में स्पेस दे देते हैं, आपको दिखाता हूँ, ऐसा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इसमें पूरा एक सिंगल नेम होना चाहिए, नहीं स्पेस होने पर एरर आता है। तो ठीक है, अब आप इस फोल्डर को खोल लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ADB सेटअप फाइल जो है इनको इंस्टॉल कर लीजिए। यस कीजिए, आपके सामने एक ऐसा पेज आता है, यस का ऑप्शन दबाइए, यस फिर से यस का ऑप्शन दबाइए, फिर उसके बाद ये ADB और फास्टबूट ड्राइवर को आपके विंडो PC में इंस्टॉल करेगा, फिर से यस का ऑप्शन दबाइए। अब ये जो ड्राइवर्स होते हैं गूगल के, जो USB ड्राइवर्स होते हैं, उनको आपके फोन डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर देगा। अब देखिए, आप देखिए ऑल डन का मैसेज आ चुका है, अपने आप बंद हो जाता है। अब अगला जो टूल है वो है Xiaomi MI फ्लैश सेटअप टूल। इसको ऑलरेडी मैंने फ्लैश कर लिया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सी ड्राइव में होता है ये फोल्डर। सी ड्राइव में आप देख पा रहे हैं ये एक लास्ट में फोल्डर है Xiaomi का, इसके अंदर ये आप फोल्डर देख पाएंगे Xiaomi MI फ्लैश टूल। इसमें जाके आपको इस फाइल को रन करना है फ्लैश करने के लिए, जिसका नाम है Xiaomi flash.exe। तो अब क्या है कि हमने जो फोल्डर था फास्टबूट रोम का जो फोल्डर था उसको अनजिप या एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जो फोल्डर कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा कि आप देखते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर और होता है, आप उसको भी ओपन करेंगे। इसके अंदर कुछ आपको ऐसी फाइलें दिखती है, इमेजेस, फ्लैश एल वगैरह इस तरीके की। तो आपको ये याद रखना है कि आपको इस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, जिसको पीछे वाला फोल्डर था जिसमें आपको ये इमेजेस और ये बाकी फाइलें दिखती है, इस फोल्डर में ही रहना है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि आपने हमने सारी फाइलें देख ली हैं, सब कुछ देख लिया है, हमने सब कुछ सेव कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो अपना फोन है उसको फास्ट बूट मोड पे ऑन करना है। तो सबसे पहले आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। हम अपने फोन को स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद फास्टबूट रोम पे आने के लिए, फास्टबूट बूट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर के बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में कोई भी स्टेप छोड़ देते हैं तो आपका फोन ब्रेक हो सकता है या फिर वो पूरी तरीके से डेड हो सकता है, तो उसकी हम जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो अब फोन स्विच ऑफ हो गया है, अब आप वॉल्यूम डाउन का बटन अपने फोन में प्रेस करें और साथ में पावर का बटन। इससे होगा क्या, आपका फोन जो है फास्टबूट मोड में आ जाएगा और आपके फोन पे स्क्रीन पे जो होगा एक MI बनेगी, फोटो बनी होगी और साथ में नीचे लिखा होगा फास्टबूट मोड। अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने फोन को PC से कनेक्ट करें USB केबल के थ्रू और फोन को साइड में रखते हैं। हम अपने फोन को कनेक्ट कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, हम अपना जो Xiaomi का जो हमारा जो फ्लैश टूल था, जो कि मैंने आपको दिखाया था सी ड्राइव में होता है, मैं आपको फ्रेश दिखा देता हूँ, जो सेव किया इंस्टॉल किया था Xiaomi MI flash.exe, इसको रन करेंगे। इसको रन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने आता है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रिफ्रेश का ऑप्शन प्रेस करना है। रिफ्रेश का ऑप्शन प्रेस करते ही आपके सामने आपके डिवाइस नेम आ जाएगा, सामने प्रोग्रेस का बटन दिखेगा और नीचे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, क्लीन ऑल, सेव यूजर डाटा एंड क्लीन ऑल एंड लॉक। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपकी फाइल थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, उसका लिंक। तो मैंने आपको बताया था इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, आपको इमेजेस बाहर रहना है, जैसे इमेजेस फोल्डर और ये फाइलें। ऊपर जो आपका जो सर्च बार होता है, जो URL बार होता है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे आपको जो URL जो है ऐसा बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम पूरे URL को,
कॉपी, इससे क्या होगा कि जो हमारी पूरे फोल्डर की जो लोकेशन है वो हमने कॉपी कर ली है, अब जो Xiaomi फ्लैश टूल था उसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का हम फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं ये तीन चीजें बता देता हूँ, लोग यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देंगे, आपको ना ये ऑप्शन यूज करना है सेव यूजर डाटा और ना क्लीन ऑल एंड लॉक। ये आपके फोन पे काम कर लेगा मगर इससे क्या होगा, अगर आपने अपने फोन का बूट लोडर जो है अनलॉक कर रखा है वो फिर से लॉक हो जाएगा, आपको फिर से अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। तो क्या है, आप इसको भी सिलेक्ट मत कीजिए और इसको तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ आपको क्लीन ऑल, ये प्रोसेस जो है आपके फोन में से सारा डाटा डिलीट कर देता है और बिल्कुल ऐसा फोन हो जाता है जैसे आप फैक्ट्री से फोन आया, बिल्कुल आपको नया फोन आया है। तो आपको क्लीन ऑल ऑप्शन पे करना है, ये जरूरी है, अगर आप इसको सेव यूजर डाटा पे करेंगे तो आप इस फाइल को फ्लैश नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको क्लीन ऑल पे करते हैं, क्लीन ऑल पे हमने कर दिया है, अब हमको क्या करना है, सिर्फ ये फ्लैश के बटन को एक बार क्लिक करना है और जो मैजिक है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो आसानी से आपके फोन में स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत इजी प्रोसेस होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस, कोई भी प्रोसेस छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये भी मैंने क्लीन ऑल पे किया, ये जरूरी था। अब आपको ये जो URL था ये हमारे इमेजेस फोल्डर के बाहर का था, जो इमेजेस फोल्डर के अंदर को नहीं सिलेक्ट करना है, हमको बाहर के फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो फोल्डर था हमने बनाया था Redmi Note 4 का उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हमने कर लिया था, अब हम फ्लैश के बटन को प्रेस करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया, 4 सेकंड हो गए हैं, फिनिश टोटल 009, कुछ टाइम दिखाएगा। अब फ्लैशिंग प्रोसेस जो शुरू हो गया है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके जो फास्टबूट रोम फाइल है उसके डाटा के ऊपर, वो कितनी बड़ी फाइल है, कईयों की वो फाइल बहुत बड़ी होती है, 1.7 GB की होती है, कई 1.4 GB की होती है, ये तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ये कैसे कंप्लीट होता है, तो हम देखते हैं। तब तक इस वीडियो को मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी लंबा बने और आपको काफी देर तक वेट करना पड़े यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देखने के लिए। तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे काम करता है। मैं इसको थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है, स्टेटस मैसेज आ गया है फ्लैश 10 और रिजल्ट आ गया है सक्सेस। और जैसे ही मैसेज आता है आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड से नॉर्मल बूट पे चला जाता है, यानी कि आपका फोन रीबूट हो जाता है और आपने सक्सेसफुली जो MIUI का फास्ट बूट रोम था, जो जिप फाइल थी, उसको सक्सेसफुली अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है। तो ये एक बेहतरीन तरीका था कि अपने फोन का, अगर फोन का ब्रिक हो गया है या आपका फोन किसी बूट लूप पे अटक गया है या आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका रूटेड फोन है और आप MIUI वर्जन को फ्लैश नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मेथड से आप अपने Xiaomi फोन को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें फिर से अपने MIUI का जो रोम है उसको फ्लैश कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए आप ग्लोबल डेवलपर बेटा या चाइनीज फास्ट बूट फाइल को अपने Xiaomi फोन में आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया तरीका था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो आज का तरीका था, वीडियो गाइड थी, आपको अच्छी तरह से समझ में आई। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और चीज आपको बतानी चाहिए या कोई और वीडियो बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उस टॉपिक को सॉल्व करने में। साथ ही साथ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।